आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में जहां हम एमएस ऑफिस सीख रहे हैं और एमएस ऑफिस का वर्ड हम सीख रहे थे। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको टेबल हैंडलिंग के बारे में बताया था कि एमएस वर्ड के अंदर में आप अपने टेबल्स को कैसे हैंडल करोगे जी और टेबल्स की फॉर्मेटिंग और बाकी जो चीजें थी वो चीजें हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस क्लासेस में हम एमएस वर्ड के आगे हम इलस्ट्रेशन मतलब कि ग्राफिक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि ग्राफिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं। राइट अच्छा, मैं एक चीज पूछ रही थी, वो आपने कब तक टेबल का कलर चेंज करते हैं वो कहां से करना था? ये पिक्चर्स में जाके तो नहीं, नीचे? यहाँ कलर का अगर आपको चेंज करना है तो जैसे टेबल सेलेक्ट करेंगे ना, टेबल का प्रॉपर्टी आ जाएगा और यहाँ से आप अपना कलर जो है यहाँ सॉरी कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मान अच्छा लीजिए अच्छा पेन ओके थैंक कलर, ठीक है, यू ओके ठीक है, और करने के पता बाद फिर आपको पेंट करना पड़ेगा तो जैसे हुआ, ठीक है। डिजाइन के अंदर में है आपका, ये आपकी बैकग्राउंड कलर है कि बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, ये आपकी बॉर्डर की स्टाइल है कि आपका बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है, और ये आपका बॉर्डर का कलर है, आप अपना कलर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बॉर्डर का कलर कैसा हो, और फिर आप ऐसी बॉर्डर कलर को आप अपने हिसाब से ड्रॉ करते चले जाइए। हाँ एक सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा, मैं जरा ये एग्जॉस्ट फैन बंद कर दूँ, इसकी आवाज जरा डिस्टर्ब हो रही है। स्टार्ट करें, बिल्कुल आ रही है, एक मिनट। तो हम बात करें इलस्ट्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि आप अपने वर्ड एमएस वर्ड में पिक्चर्स कैसे लाएंगे, राइट। तो पिक्चर बेसिकली हम लोग दो तरीके से करते हैं, पिक्चर जो है हम लोग दो तरीके से, पहला कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट, मतलब जैसे कि हमारे पास अगर कोई ब्राउजर वगैरह पे हम लोग जैसे कि इंटरनेट वगैरह पे हम गूगल वगैरह पे या किसी वेबसाइट पे हम पिक्चर्स को देखते हैं, उस पिक्चर को कैसे लाएंगे, चलिए वो आपके साथ हम डिस्कस पहले करते हैं। जैसे हमने गूगल पे गया, आज प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? नहीं, आवाज आ रही है साफ। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए हमने एमएस वर्ड ही सर्च कर दिया, एमएस वर्ड 2016, तो ये तो आ ही गए, यहाँ इसकी इमेजेस पे चले जाएंगे गूगल के सर्च के ऊपर तो ये सारी इमेजेस मिल जाए। तो मान लीजिए मुझे इस इमेज को कॉपी पेस्ट करना है, राइट, तो ओके हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी इमेज। ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, कभी भी किसी वेबसाइट से करेंगे आपको तो कॉपी इमेज कीजिएगा, कॉपी सिर्फ मत कीजिएगा, कॉपी इमेज। ओके तो उसके बाद कॉपी इमेज करने के बाद हम इसको यहीं पे कंट्रोल वी कर देंगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। कभी कभी ये पेस्ट नहीं होगा तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड में जाइएगा, सॉरी एमएस पेंट में, कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है, कुछ कुछ वेबसाइट में इस तरह की प्रॉब्लम होती है या इमेजेस की प्रॉपर्टी में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं करने देगा, तो अच्छा उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एमएस पेंट में जाते हैं, एमएस पेंट में पेस्ट करते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं और वापस आके हम इसको वर्ड में पेस्ट करते हैं, समझे। अब इसको रिसाइज करना, आपको ये साइज हुआ लेकिन इसको अपने हिसाब से साइज करना है, तो पिक्चर पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप साइज रिसाइज जो है यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो।
लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे पिक्चर का जो माने कि क्वालिटी है, जो पिक्चर देखो, जो भी पिक्चर्स होते हैं उसकी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उसकी, ठीक है। तो पिक्चर को रिसाइज करना हो तो कैसे करेंगे? पिक्चर्स में जाके नहीं, कॉर्नर से पकड़िए, कॉर्नर से पकड़िएगा और उसके बाद उसको रिसाइज कीजिए। तो ये चारों तरफ से छोटा होगा, तो तीन तरफ से माफ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो छोटा छोटा तो वो उससे होगा, बड़ा बड़ा भी उसी से होगा। हाँ, उसी से बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लिक यहाँ पे क्लिक करके फिर इस कंट्रोल के साथ करेंगे तो चारों तरफ से बड़ा हो। तो कंट्रोल तो हम लोग उतना यूज नहीं करते। ये आया कहाँ से कंट्रोल? यानी कंट्रोल की बात करो। अच्छा, कंट्रोल की बात करें, मगर ये जो माइक्रोसॉफ्ट का आपने जो तस्वीर करी है उसके बराबर में एक, वो कहाँ से आया है? वो सिलेक्ट सिलेक्ट करते ही आ जाता है। अच्छा, वो खुद ही आया है। हाँ, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ऑटोमेटिक आ जाता। नहीं, ये जो विंडो बनी हुई है छोटी सी, ये भी आई है? हाँ, मैंने बोल रहा हूँ सिलेक्ट करते ही आ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो रिसाइज करने का ऑप्शन आपके सामने, लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है कि इसको आप, अब मान लो कि मैंने इसको छोटा कर देता हूं, रिसाइज कर दिया, अब मैं इसको अपने हिसाब से कहीं पर रखना चाहता हूं तो नहीं रख पाएगा, ठीक है। कि आप इसको अपने हिसाब से कहीं रखना चाहते हो तो रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इसके सामने ना चाहते हो कि यहां पर रखना या यहां पर लिखना, तो करेक्टर की तरह टैब सेंटर ऑफ की तरह मूव करेगा, टैब से मूव करना पड़ेगा, एंटर से मूव करवाना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं रख पाओ अपने पिक्चर्स को, थोड़ी सी दिक्कत इसमें होती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास सेफ्स होते हैं, सेफ्स, शेप्स, ठीक है, सेफ्स, उसमें आप जाइए, ओके, शेप्स में जाके अपनी मर्जी का कोई भी जो भी, हाँ, जैसे ये आपका ये ले लीजिए ना टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए, उस पिक्चर को आप उसके अंदर, ठीक है, और फिर टेक्स्ट बॉक्स की साइज भी अपने पिक्चर के साइज के अकॉर्डिंग कर लें। अब इसको हम उठा के, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको उठा के हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा कि मान लीजिए कि मुझे हमेशा क्या गूगल से ही, मान लो कि मुझे इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करना होता है, तो क्या मुझे हमेशा गूगल से ही करना पड़ेगा? अच्छा, गूगल से हमेशा आप, अगर अगर दिक्कत हो रही है आपको, तो आप हमेशा गूगल से नहीं करना चाहते हैं, तो यहां आप ऊपर में देखेंगे आपको जो है पिक्चर ऑनलाइन दिखेगा। पिक्चर ऑनलाइन जो दिखा उस पर आप क्लिक करें, और यहाँ पे गूगल तो नहीं है बट बिंग है, ठीक है, बिंग डॉट पे आप यहां से आप अपना पिक्चर को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक से ज्यादा भी करना है तो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, और एंड द लास्ट आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। अच्छा, ये ज्यादा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है ना, आपकी मनचाही पिक्चर हमेशा लिंक पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फाइल से पिक्चर को लेके आनी है तो
उसके लिए यहाँ आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और आप पर्टिकुलर फाइल को, जैसे कि मैं मेरे डाउनलोड में फाइल है हमारे पास इमेज 51, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो इंसर्ट आप पिक्चर पे करेंगे, वहां से अपने पिक्चर को इंपोर्ट करा सकते हैं। या आपने ऐसे ये कॉपी में करना होगा तो पहले पिक्चर्स में जाएंगे, वहां क्या करेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने मैंने बोला आपको कि अगर आप अगर किसी वेबसाइट से और किसी गूगल से या किसी भी तरह की ऑनलाइन से लेना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में एज ए फाइल, एज ए जेपीजी फाइल पड़ा हुआ है, पिक्चर फाइल पड़ा हुआ है, तो उसको कॉपी करके नहीं ला सकते आप। अच्छा, उसके लिए आपको यहाँ पिक्चर देखिए, आपको फ्रॉम फाइल क्लिक कर दो, आपका रहा है फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करें, अपने इमेजेस को लोकेशन पे जाके इमेजेस को सेलेक्ट करें, ठीक है जी। और इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहां पे आपको आ जाए, आ गया जी। तो पिक्चर इंसर्ट करना आप सीख गए। मैम आप पिक्चर इंसर्ट करना सीख गए ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं समझी आप बोल रहे हैं वैसे। तो पिक्चर इंसर्ट सीख गए, आप बात करते हैं कि इंसर्ट की गई पिक्चर पे फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसके लिए आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है और जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में सबसे पहला आता है रिमूव बैकग्राउंड, लेकिन इसमें कोई बैकग्राउंड है नहीं, रिमूव क्या करेगा। रिमूव बैकग्राउंड के लिए अगर सीखना है आपको तो कोई बैकग्राउंड वाले पिक्चर्स को लेके आना पड़ेगा। चलिए हम कुछ पिक्चर्स ऐसे लेते हैं जिसके बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है, राइट? ओके। जैसे कि मान लीजिए ये हम एक डांसर जो है इसी को हम पकड़ते हैं, इंसर्ट करते, ठीक है। थोड़ा सा साइज को छोटा कर देते हैं, साइज कर, आपने उसको उठाया कैसे वहां से? वहां से इस पिक्चर को वहां से कैसे उठाया? मैं अभी तो बताया मैंने आपको, आपने बोला नहीं कि मुझे पता चल गया। मैं दोबारा पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि मैं आप कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ पिक्चर ऑनलाइन पे गया और यहाँ से हमने अपने पिक्चर को कैटेगरी वाइज है पिक्चर हमारा, हमने पिक्चर को एक्सप्लोर किया, सर्च किया, सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, सिंपल है। अच्छा अच्छा, ये मैंने मिस कर दिया ना देखने में, मैं वो पिक्चर को देख रही थी, इंसर्ट किया। ओके सही है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। अच्छा, ये जब ही होगा जब वो ऑनलाइन पिक्चर में पिक्चर होगी तब होगा। हाँ, पिक्चर वहां होनी चाहिए ना। हमने डायरेक्ट हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, किसी फाइल से नहीं लिया, डायरेक्ट यहाँ bing.com से हमने इसको सर्च कर लिया। अब क्या है इसमें, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है कि इसकी जो पीछे की जो ब्लैक कलर की जो बैकग्राउंड है ना, मैं चाहता हूं उसको रिमूव करना। हालांकि ये फोटोशॉप का पार्ट है, देखिए हम फोटोशॉप जैसी क्वालिटी और उसकी फिनिशिंग तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं। कहां पे? फॉर्मेट पे, रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा,
इसने ऑटोमेटिकली इसने देखा और जो बैकग्राउंड थे उसको रिसर्च कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये कलर्ड हो गया ना। अब जैसे मैं यहाँ पे कीप चेंजेस पे मैं क्लिक करूंगा, रिमूव हो गया। लेकिन देखिए ये सर के बाल भी रिमूव हो गए, तो मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लाता हूँ। तो बैकग्राउंड में अगर रिमूव बैकग्राउंड आप एक तो कलर के हिसाब से हो जाता है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मार्क आप ले सकते हैं कि आप यहाँ से अपने पॉइंट्स क्रिएट करें। एक मिनट, जब आपने रिमूव कर दिया तो उसको वापस कैसे लाए? कंट्रोल मार्क की जेड से, कंट्रोल जेड किया तो वापस आया। कंट्रोल जे से, कंट्रोल जेड जी, कंट्रोल जी ऑन डो हमने पिक्चर वापस आ गया ना, कंट्रोल ऑन डो कर दिया हमने। यहां से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूं, ठीक है? तो उसके लिए हमने वापस फॉर्मेट पे गया, टेक्स्ट बॉक्स में तो मैंने फॉर्मेट पे गया और मैं वापस रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूं। ओके। बाद इंतजार कीजिए। तो इसने जो सिलेक्ट किया हुआ है मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहता। ये जो कलर कर दिया है ना, जैसे मैं इस पे कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा ये पूरा हटा देगा, जैसे कि देखिए हटा दिया, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है, सही। ठीक है? तो मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूं जिससे मेरा अंडो हो जाएगा मेरे चेंजिंग, एंड मैं वापस रिमूव बैकग्राउंड पे जाऊंगा और यहां से रिमूव बैकग्राउंड पे गया। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसके बाद मार्क एरिया टू कीप, जो पहला ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप, उस पे क्लिक कीजिए और फिर आप अपने हिसाब से पिक्चर का एरिया ड्रॉ कीजिए। इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है? अच्छा, या आप नीचे क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सर। पेंसिल है ना आपके पास? हाँ, अब पता चल रहा है। हाँ कलर चेंज कर रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एरिया में वापस लाने हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब जी यहां पे किचन हो गया, लेकिन फिर भी ये रह गया। मैं वापस से रूट बैकग्राउंड पे जाता हूं। ये जो हमने हमने ज्यादा कर दिया था, हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमने गलती कर दी, हमें वापस करना पड़ेगा। ओके तो हम ओके वापस कंट्रोल जी से वापस करना होगा, डिस्चार्ज चेंज नहीं करना। ऐसी दिक्कत होती रहेगी, ठीक है ना? थोड़ा स्लो भी चलेगा, जब तो इसका यूज करेंगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। अच्छा और हैंग भी करेगा, देखिए नोट्स पर नहीं होगा। बड़ा करता हूँ,
वापस फॉर्मेट, समझ गए ना रिमूव बैकग्राउंड कैसे होता है। जी। और इसके ऊपर तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा इस कारण से, जिससे आपका और ज्यादा, जैसे कि ये देखिए, तो मैं मार्क कर देता हूं जिससे मेरा ठीक है। उसके बाद एक कम सोल्डर पे है तो सोल्डर को भी मैं यहां से क्लिक करता हूँ, हो गया। ओके ठीक है। राइट ठीक है। ठीक है, तो हो गया, अब सही है ना। अब यहां पे कीप चेंजिंग पे क्लिक कीजिए, देखिए का पूरा बैकग्राउंड हट गया। तो मैंने बोला था कि मैं फोटोशॉप जैसी फिनिशिंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अपने हिसाब से कुछ हद तक जो है काम कर सकता हूं जो जरूरत है मुझे। ओके तो कभी कभी जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे कुछ ही, मान लीजिए कि किसी भी तरह की चीज है, उसमें बैकग्राउंड आ जाएगा। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड ना आए या बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो फोटोशॉप नहीं है, तो फिर भी आप वर्ड से भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन से समझ में आ गया। एक उसके सेकंड एक बाद मिनट एक सेकंड, ये जो अब आपने जो पीछे चेंज किया ये कलर से किया आपने? नहीं, चेंज नहीं किया मैंने, मैं सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट करने से हो जाता अच्छा, सेलेक्ट करने से हो जाता है। है। सिलेक्ट करने से हाईलाइट होता है ना, इसने हाईलाइट कर दिया। हाँ, तो हाँ नहीं वो तो होता है, मगर इधर मुझे तो ग्रे कलर लग रहा है। ग्रे ही होता है ना, मैम जब किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर ग्रे कलर नहीं आ जाता है, चाहे वर्ड और टेक्स्ट या इमेज हो कहीं भी। हाँ जी तो मैंने इसको फॉर्मेट में लिया, अब इसमें मैं करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं करेक्शन। करेक्शन में क्या ओके होता है कि इसकी हाइलाइटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कि इसका जो सॉफ्टनेस है या इसका जो डार्कनेस है या ब्राइटनेस है वो अपने हिसाब से आगे पीछे चेंज होता जाए। ठीक है, तो ये हिसाब ठीक है। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मान लो पिक्चर डार्क है तो थोड़ा सा राइट लाइट कर दिया तो थोड़ा सा खिल जाता है उस केस जो अपनी तस्वीरें खींची हुई होती हैं बार बार कैमरे में से, में। तो उनको भी उसमें भी ये काम हो सकता है। हाँ, हर चीज में काम हो सकती है। फिर हम कलर पे आते हैं। अब मान लो कि मुझे इसको रीकलर करना है, एक मान लो कलर को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। तस्वीर कहाँ गई? एक तो देखा, जबरदस्ती आप करवा रहे थे डांस तो मुझे नहीं आया। नहीं, वो थोड़ा सा ये पिक्चर पे काम करने में थोड़ा सा हैंग होता ही है, आ जाएगी पहले, क्योंकि ये पिक्चर्स के लिए नहीं बनाया ना, जिस चीज पे जो नहीं बनाया उसके साथ आप कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो ही जाती है ना। पिक्चर की साइज भी बड़ी है इसलिए से दिक्कत हो रहा है। दूसरा कोई सिंपल पिक्चर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना ही ले लेता हूँ। अब इसको मैं करना चाहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। वो बेसिकली जी हाई हाई डेफिनेशन की पिक्चर थी ना, इस कारण से काफी हैंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो इस पे आप अपने हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो या कोई और कलर में करना चाहते हो, तो ये वन कलर में पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, समझ गए। जी जी
और ऐसा काम मैंने किया था। बेसिकली मेरे डैड और मेरे ग्रांड ग्रांडपा जो है वो सिमिलर दिखते हैं। अच्छा हाँ सिमिलर दिखते हैं, मतलब कि समझे ना कि 80 से 90% हर एक चीज मैच करता है, वाह बस साइज का फर्क होता था। तो मैंने अपने पापा की एक हाफ साइज की खींची हुई फोटो, बहुत पहले की खींची हुई फोटो को, जब वो मतलब कि आर्मी उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय की फोटो को, मैंने ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट करके, कलर फोटो थी वो, ब्लैक एंड व्हाइट करके अब ऐसी फोटो बड़ा सा फ्रेम बना दिया, बोला कि ग्रैंडपा है, सबने यकीन कर लिया कि हाँ ग्रैंडपा है। वाह मेरी दादी जो ग्रैंडमा था उन्होंने भी यकीन कर लिया, तो इसी से किया था मैंने, वाह क्योंकि मुझे फोटोशॉप तो आती थी नहीं। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट एक बार में कर सकते हैं, या कोई आर्टिफिशियल इफेक्ट जो होता है ना इस तरह का, ऐसे इफेक्ट भी आप अपने पिक्चर पे डाल सकते हैं, राइट। सही उसके बाद अब पिक्चर डालने के बाद आपकी फाइल बड़ी हैवी हो जाएगी, तो आप कंप्रेस अच्छा पिक्चर करना ना भूले। कंप्रेस पिक्चर क्या करेगा कि इसकी जो अनवांटेड पिक्सल्स है उस पिक्सल्स को रिमूव करके आपके पिक्चर की साइज को छोटा करेगा, जिससे आपका पिक्चर की साइज कम हो जाएगी और फाइल की साइज कम हो जाएगी। फिर आता है चेंज पिक्चर। जैसे पिक्चर मान लो कि सेम डिजाइन सेम स्टाइल में कोई अनदर पिक्चर चाहता हो, तो मैं यहां से कोई अच्छा अनदर पिक्चर यहां से ला लूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरी पिक्चर्स मेरे दूस पिक्चर पे दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बारी रीसेंट पिक्चर की। रीसेंट पिक्चर क्या करता है कि मान लीजिए कि मैंने ज्यादा ही कुछ कर दिया और पिक्चर खराब हो गई, जैसे कि अच्छा पहले मैंने डांसर की पिक्चर का 6 साल कर रहा था और खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि कंट्रोल जेड से भी सुधारा नहीं जा सकता, तो उसको जस्ट आप रीसेंट पिक्चर पे क्लिक कीजिए, आपका ओरिजिनल पिक्चर जो आया था वो आ जाएगा। समझ गए, रीसेट नहीं उसको फिर क्या नहीं ये समझ नहीं। पिक्चर कर दीजिए ना, जैसा ओरिजिनल पिक्चर था वैसा ओरिजिनल आ जाएगा। अच्छा यानी कि सिर्फ दोबारा से वो रीसेट हो जाएगी। दोबारा से जैसा पिक्चर ओरिजिनल आपने इंसर्ट किया था ना, सो सेम वैसी ही पिक्चर आपको मिल जाएगी वापस। ओके ठीक है समझ गए, जी। तो ये हमारा इफेक्ट में एडजस्टमेंट था। उसके बाद आता है पिक्चर की स्टाइल, उसकी फ्रेमिंग अगर करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसकी फ्रेमिंग भी कर सकते हो। यहाँ जी फ्रेम्स है, अच्छा तो पिक्चर की अलग अलग फ्रेम आप यहां से ले सकते हो कि पिक्चर का फ्रेम कैसा होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं उस हिसाब से फ्रेम चेंज हो रहा है। ठीक अच्छा है, सही है। तो फ्रेमिंग आप कर सकते हो। दूसरा, अगर फ्रेमिंग आप नहीं करते हो या फ्रेमिंग कर दिया है तो इसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पे बना लेना चाहते हो, तो पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज कीजिए यहाँ से। जैसे मैंने ब्लैक कर दिया तो देखिए ब्लैक बॉर्डर आ गया, या किसी पिक्चर में बॉर्डर है तो यहाँ पे नो आउटलाइन करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, या है तो ला सकते हो। अब बॉर्डर कि कलर यहां से डिफाइन कर सकते हो और उसकी साइज कि उसका कितना मोटा होना चाहिए आप यहां से डिफाइन कर सकते। अच्छा ये सब कुछ जो हो रहा होता है तो ये डिलीट भी तो हो सकता है किसी भी वक्त, जैसे अभी वो लड़की की तस्वीर चली गई। हाँ कंट्रोल जेड कर दीजिए हो जाएगा, डिलीट कर दीजिए हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर ये डिलीट हो जाए तो फिर क्या करें, अंडू करें। हाँ अनलॉक कीजिए, अगर फाइल सेव करके क्लोज कर दिया तो फिर तो अनडू भी नहीं होगा। हाँ वो तो फिर जाहिर है। हाँ तो पिक्चर की बॉर्डर आप यहां से ले सकते हैं। दूसरा, पिक्चर की जो इफेक्ट है वो इफेक्ट यहां से लीजिए कि कैसा इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसकी शैडो रखना है कि पिक्चर की शैडो जो हल्का नीचे शैडो दिखता है ना, ऐसा शैडो दिखना है।
शैडो कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, जैसे कि एक शीशे पर रखी होती है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब शीशे पे कांच पर रखी होती है, उस तरह से रिफ्लेक्शन करवानी है तो रिफ्लेक्शन करवानी है तो करवा सकते, देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, नीचे आ रहा होगा। देखिए इसका यूज हम लोग खास करते नहीं, लेकिन कभी कभी यूज हो जाती है। एक ग्लो पिक्चर को साइड से ग्लो करवाना चाहते हैं, ग्लो हो तो ग्लो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप कॉर्नर से पिक्चर को काटना चाहते हो, कर ओके ठीक सकते हैं। फिर उसको इस तरह के जो शेप्स होते हैं उस शेप्स में डालने के लिए, और एक 3D रोटेशन, कि आपको पिक्चर को रोटेट करना है तो 3D मोड में इस तरह से रोटेशंस है, आप अपने हिसाब से पिक्चर को जिस एंगल में रोटेट करना चाहते हो उस एंगल में रोटेट कर सकते हैं, 3D रोटेशंस होते हैं। ठीक है, अब ठीक बात आती है पिक्चर के लेआउट। पिक्चर को इस तरह के जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं ना उसके लेआउट में देना है तो भी आप दे सकते पिक्चर हैं, के समझे। लेआउट में किस तरह देना है किसी आपने फ्लो के चार्ट बनाया ना, आपने फ्लो चार्ट्स, ऊपर। जी नहीं नहीं बनाए। जैसे कि एक एक डिजाइन दिख रहा है आपको ना, ऐसे डिजाइन में कुछ चीजें आपको लिखनी है तो उससे केस में होता है। इसके बारे में हम आपको आगे क्लास में ही बताएंगे, फिलहाल इसको आप करने दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है। फिलहाल बस आगे बताएंगे आपको, जब आपको यहाँ इंसर्ट में जब आपको ये पढ़ाएंगे ना स्मार्ट आर्ट, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आता है इसमें पोजीशंस, कैसे पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन डिफाइन कर सकते हो कि अभी क्या है पोजीशन, इस पोजीशन में मतलब कि मैं इसके ऊपर से पूरा लिख सकता हूँ, इसके नीचे से पूरा लिख सकता अच्छा ठीक है। हूँ, मतलब कि मैं इसके यहां पे नहीं लिख सकता, समझे। जी लेकिन अगर मैं पोजीशन चेंज करके मैंने इस पोजीशन को दे दिया तो अब मैं जो है ना कि यहां भी लिख सकता हूं, कर्सर आ गया, तो सेम इस तरह से पोजीशन आप यहां चेंज कर सकते हैं। पोजीशन तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ये डाल ये पोजीशन से होते हैं, किस पोजीशन में आपको होने, अच्छा नहीं माफ कीजिए रैप है, ये पोजीशन नहीं है, रैप है, पोजीशन यहां से। तो पोजीशन समझ रहे हैं ना, कि जब आप लोग पेपर पढ़ते नहीं है, जैसे कि फोटो होता है जो साइड में लिखा होता है, चारों तरफ से लिखा होता है, तो और आप पोजीशन यहां सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट रैपिंग का पोजीशन क्या होना चाहिए। नहीं। उसके बाद रैप, कि इसको जो है रैप कैसे करना है, इन द लाइन टेक्स्ट या स्क्वायर या टाइट या थ्रू या टॉप टू बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तो इस तरह से इसकी जब रैपिंग करते हैं कि टेक्स्ट इसे बिहाइंड द टेक्स्ट करके क्या होगा, क्या अब मैं इसके ऊपर से भी टेक्स्ट लिखता जा सकता हूं, दिख रहा है आपको। हाँ सही। तो इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अरेंज की, जैसे कि मैंने अगर दो तीन पिक्चर बना रखे हैं, अब इसी पिक्चर की कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल की प्रेस करें और क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करें, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। क्या कौन सा कंट्रोल? कंट्रोल की के साथ क्लिक करें और उसको ड्रैग करें, कंट्रोल ई। कंट्रोल की, कीबोर्ड का कंट्रोल की बोल रहे हैं, अच्छा सिर्फ कंट्रोल को। कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करें और क्लिक करते ही अच्छा उसको ड्रैग करें, तो ओके ये आपके पिक्चर जो है कॉपी हो जाएंगे। लेकिन अच्छा कॉपी होने के बाद हो सकता है कि पिक्चर एक दूसरे के ऊपर इस तरह चल जाए, तो मैं चाहता हूं कि नीचे वाला पिक्चर जो है ना वो ऊपर आ जाए, तो ये विंग फॉरवर्ड होता है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर को मुझे ऊपर करना है तो विंग फॉरवर्ड, ओके उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो आता है और नेक्स्ट आता है कि सेंड बैकवर्ड, मतलब मुझे इसको ऊपर नहीं इसको पीछे भेजना है, तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करोगे तो इसमें आ जाए,
सिलेक्शन पेन क्या करता है कि किसी पिक्चर को हाइड एंड अनहाइड करना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर नंबर 16 पे मैंने इसके आंख का निशान जो बना है इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए पिक्चर गायब हो गया। हो गया क्या? तो पिक्चर्स माने कभी कभी क्या होता है जैसे लोगो वगैरह होता है तो हम लोग प्रिंटिंग मान प्रिंट देते हैं तो हमें उन लोगों को प्रिंट नहीं करना होता है, ठीक है? या नहीं दोबारा क्या बोले, आप दोबारा जैसे मान लीजिए आपने कुछ बनाया हुआ है उसका आपने अपनी कंपनी की लोगो हेडिंग में दिया होगा, लेकिन प्रिंट करते समय आपको लोगों को प्रिंट नहीं करना है, ऐसा बोला गया है। बहुत सारे केसेस में होता है कि आप लोगों को हाँ प्रिंट नहीं करना चाहते कंपनी की लोगों को, तो इसमें यहां से उस पिक्चर को हटा सकते सिलेक्शन पेन पे अच्छा जाकर। पिक्चर डिलीट नहीं होगा, पिक्चर रहेगा पर वो हाइड हो जाएगा, समझे? ये हाइट कैसे हो रहा है? आपने हाइड ऑल का बटन दबाया था अभी क्या? तो यहाँ साइड में कॉर्नर में जो है ना आई का निशान है उस अच्छा पर क्लिक कीजिए, ये अपने आप होता जाएगा। अच्छा ये तो ईवल आई हो गई हाँ ईगल आई जो है, ठीक है? तो आज जी। आप पिक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, कल हम आपके साथ जो है इसमें इलस्ट्रेशन मतलब कि जो अपने आकृति होती है ना स्टेप्स होते हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा कल फ्राइडे है, कल आप आएंगे? हाँ मैं तो रहूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आऊंगी। इसलिए काफी हाँ ठीक है ठीक अभी तक आपने है, मेरी कितनी क्लासें ली हैं? 5? वो देखना पड़ेगा ड्राइव में। ठीक अच्छा मेरा ख्याल है 5 या 6 हुई हैं, इससे ज्यादा नहीं हुई। चले ठीक 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 है, फिर जो जो अभी जो हो गई है ना, आपने 4 भेजी थी तो बाकी भी भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके चले सही।